हाय रैंडम इंडियन गाय जी, क्या हाल? या अल्कोहल गिव्स यू बिल्कुल कॉन्फिडेंस? बढ़िया। हेलो, आवाज जी आ रही है आवाज? जी क्या कहने आ रही है? मैं लगे? बढ़िया मैम, आप बताओ। मैं ठीक हूं। ओके जी, मैंने जैसे आपका ये टॉपिक आज का जो टाइटल है वीडियो का, वो यही कि जो वो आदमी है जिसने कहा कि आजकल की माएं बहुत ये हो गई हैं, वो मैंने ये चीज बहुत देखी है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। पाकिस्तान में बस थोड़ी ज्यादा है, मतलब ज्यादा इन सेंस में इंडिया में ये चीजें होती हैं, ये होती हैं घरों में होती हैं, लोग आपस में करते हैं। पाकिस्तान में लोग खुलेआम इंटरनेट पे बोल देते हैं ये सब चीजें, कि जैसे आजकल की औरतें तो ऐसी होती हैं, आजकल की वो ऐसी होती हैं। और अगर औरतें खुद बोले तो उन औरतों को कह देते हैं, है यार कितनी अच्छी औरत है आजकल की औरतें। अगर मॉडर्न, जैसे वो पता नहीं कोई एक्ट्रेस जिसने कहा था हमारा हस्बैंड ही हमारा कल्चर है एंड ऑल दैट, हाँ इस चीज को लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ नहीं, वो तो है, आई एग्री विद यू। बस क्या कहें, हम समझ रहे थे कि मिसोजिनिस्टिक ये पेट्रियार्की जो है वो खत्म हो रही है ऐसा ऐसा, मगर नहीं, पेट्रियार्की अभी तक जिंदा है। सारे चीजें हमारे ही सर पे थोप दो, घर के काम हमारे सर पे, बच्चे हमारे सर पे, हर चीज औरत की गलती होती है ना। दैट्स व्हाट इट इज। आपको मैं खबर बताता हूँ, आपको आपने शायद ना सुनी हो। इंडिया में कुछ दिनों पहले ये हुआ कि कुछ तीज का एक फेस्टिवल होता है हिंदुओं का, आपको पता है? नहीं एक फेस्टिवल होता है, उसमें बस औरतें इकट्ठे हो गए ना, फंक्शन में नाच गा रही थी एक शहर में, अच्छा वो हाँ वीडियो उन्होंने डाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। अच्छा और वो क्या था, बैकग्राउंड में कुछ उन्होंने सिखों की, सिख रिलीजन की कुछ वो नात या जो ओ कुछ किया। हाँ नहीं, मैंने ये न्यूज़ लास्ट वीक मैंने इस पे बात की थी। हाँ कि वो उस पे डांस वगैरह कर रही थी तो और उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस कर दिया सिखों ने, लाइक हद होती है यार। अब औरतें, अरे इट रियली स्केर्ड मी आउट, बिकॉज आई वॉज इमेजिनिंग, बिकॉज मेरी मॉम भी जाती हैं ये सब करने, अगर गलती से अगर उनके साथ अगर वो ऐसे डांस करती हुई वीडियो में ऐसा हो जाता तो आई जस्ट कुडंट टेक इट यार, बहुत ज्यादा ही हो गया यार ये। और सिखों की दी। एक्सट्रीमिज्म को लोग कॉल आउट नहीं करते, जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को आप गालिब और ये सब कर रहे हैं, और जो सनातनी है उनकी भी आप लोग भी करते हो, इंडियन की लेफ्टिस्ट भी करते हैं, बट सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में ना लोग कम क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि आई फील इट इज वेरी मच नीडेड। मैंने तो बहुत करा है यहाँ पर। मैं तो खैर यहाँ पे जो सीख रहते हैं, मेरा तो एक्स ही सीख था, तो वो तो मैं देख सकती हूँ ना कि उनके उनकी फैमिली और उनके जो कल्चर में कितना औरतों के साथ किस तरीके से वो करते हैं एंड हाउ दे ट्रीट वुमेन और क्या क्या हरकतें यहाँ हो रही हैं। आई ऑलवेज कॉल इट आउट, मगर मैं किस किस को कॉल आउट करूंगी? मेरे को कोई देखेगा ही नहीं उसके बाद। लोग अफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। एंड मैंने यहाँ पे तो, हमारा तो सबसे बड़ा जगमीत सिंह जो खालिस्तानी सपोर्टर बैठा है यहाँ पर, सबसे वो बड़ा वो खालिस्तान फेमिनिस्ट बनता है। हाँ से ही इज बता अ खालिस्तानी सपोर्टर ऑफ रहे हैं, कुछ कोर्स। रिपब्लिकन ये बात कन्फेस की है? डजंट हैव टू, कभी उसने डिनाई भी तो नहीं की ना। उससे कितनी दफा इन लोगों ने कहा था कि आप वो जो एयर इंडिया की जो बॉम्बिंग हुई थी उसको आप कंडेम करो, कभी नहीं की उसने। वो बात इधर से उधर ले जाता है, मगर वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो गलत हुआ था। इंडिया में क्यों नहीं जा सकता? आपको पता है ना, जगमीत को जो है इंडिया नहीं जा सकता है वो, ही कैन नॉट गो टू इंडिया। हाँ ही इज नॉट अलाउड इन इंडिया क्योंकि उसके इसी वजह ट्वीट्स और से। वो सब देख के तो लगता है कि वो बहुत लिबरल ओपन माइंडेड काइंड ऑफ बंदा है, वो हमेशा ब्लैक्स एशियंस एलजीबीटी के हक में बोलता है, तो आई फील तो जस्ट वो तो यहाँ पर मुसलमान भी बोल रहे होते हैं एलजीबीटी के हक में। लिबरल पार्टी ज्वाइन की थी मुसलमानों ने, ये मेरे को बताओ, लिबरल पार्टी ज्वाइन की थी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लिबरल पार्टी ज्वाइन की थी। हाँ और ये तो बहुत आयरॉनिक नहीं हो गया, क्योंकि इस्लाम में तो खुलेआम लिखा है तुम डेथ पेनल्टी। हाँ वो तो है, आयरॉनिक तो है, वही तो हमें तो समझ में नहीं आते, मगर लेफ्टिस्ट जो है वो इसी चक्कर में है कि बस किसी तरह से इस्लाम को डिफरेंट तरीके से दिखाया जाए। कि अब जो हिजाब है, हिजाब को कैसे यहाँ पे लोग प्रमोट करते हैं कि हिजाब जो है इज अ चॉइस। कौन सी चॉइस भाई, कौन सी चॉइस? हाँ हिजाब चॉइस है यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि डेमोक्रेसी है। हिजाब सऊदी अरब में चॉइस नहीं है, हिजाब ईरान में चॉइस नहीं है, हिजाब नहीं, अफगानिस्तान में चॉइस नहीं सऊदी है। में तो आई गेस सब चॉइस आ गई है। नहीं, आई थिंक हिजाब अभी भी पहनना है उनको, ये नहीं कि हिजाब उतारते हैं, मगर हाँ वो बेहतर कर रहे हैं। मगर ये जो यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स ओनली अ चॉइस यहाँ पर, क्योंकि आपके पास डेमोक्रेसी है। यहाँ भी चॉइस नहीं है, यहाँ भी लड़कियों को ऑनर किलिंग पे मारा गया है बहुत सारे। यहाँ पर एक शफिया की फैमिली थी, उन लोगों का केस बहुत वो हुआ था हाईलाइट, कि वो बंदे ने मार दिया था, वो लड़की हिजाब नहीं पहनना चाह रही थी तो उसको मार दिया था उसकी फैमिली ने। एक यूके का भी एक बहुत केस हाईलाइट हुआ था, काफी केसेस हुए हैं ऑनर किलिंग्स की। सो इट्स मैम नॉट अ मुझे चॉइस।